ओम शांति एवरीवन, ओम शांति। माय नेम इज़ बीके आशुतोष, और सब प्यार से बीके आशु भी बोलते हैं, आशु भाई। और मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस जो अभी तक मैंने इस गॉडली जीवन में महसूस किया है, अभी तक का जो भी सफ़र रहा है इस जीवन में, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और यही आशा है कि आपको कुछ उससे प्रेरणा मिले, और कुछ कुछ उससे जो भी सीख कह सकते हैं वो उस यूथ को मिले जो सोचते हैं कि मेडिटेशन या फिर योगा हमारे लिए अभी जीवन में ज़रूरी नहीं है। बट यही सोचना होता है जो भी यूथ से जुड़े हुए हैं, यूथ हैं, कि ये तो अभी की चीज़ नहीं है, ये तो अगर हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे या फिर अबव 60 हो जाएंगे तब हम करेंगे। अभी तो जीवन जीने का टाइम है, अभी तो मज़े करने का टाइम है। लेकिन मेडिटेशन से क्या हेल्प मिलता है, और ये आपके जीवन में कैसे आपको हर वर्क में, आपके कोई भी आप डेली वर्क कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, तो मेडिटेशन उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और मुझे, मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं अपने जिसमें मुझे लगा है कि मेडिटेशन ने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने ये कोर्स 7 डे राजयोगा मेडिटेशन कोर्स 2015 दिसंबर में किया था, गीता पाठशाला में, GH 5 & 7 में जो गीता पाठशाला थी वहाँ पर। उसके बाद मैं तब अपने बीटेक के थर्ड ईयर में था, और वहाँ जाने के बाद जहाँ मेरा कॉलेज था एकदम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे था, तो वहाँ पे कोई और पाठशाला नहीं थी या फिर कोई सेंटर ना होने की वजह से मैं थोड़ा ज्ञान की बातों को भूल गया, और वहाँ पे अपने जैसे रोज़मर्रा की लाइफ जीने लग गया था जब मैं अपने कॉलेज में था, बीटेक कॉलेज में। बीटेक के बाद मैं हैदराबाद आया मास्टर्स के लिए, मैंने MS बाय रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लिया IIIT हैदराबाद में। और फिर पता चला कि वहाँ पे रिट्रीट सेंटर जो हैदराबाद का है, शांति सरोवर जिसे कहते हैं, वो हमारे कॉलेज के बहुत ही नज़दीक है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए कुछ मतलब कोई ना कोई बाबा का सेंटर है पास में तो मैं जा सकता हूँ। मैंने उससे पहले जब मैं बीटेक में जब ये 7 डे राजयोग कोर्स करके गया था, तो मैं कुछ दिन नोट्स लिखता था अपने पास, तो ये लगता था कि नहीं, मैं रोज़ की कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिख के रखूँ मुरली से जो भी मैंने कोर्स में पढ़ी है। वो थोड़े दिन कंटिन्यू हुआ, लेकिन फिर जो भी कोर्स का प्रेशर था या फिर स्टडी थी, तो वो बीच में आ गई, और फिर धीरे धीरे वो मेरी हैबिट छूट गई, और मैं एक तरीके से कोर्स की बातों को कुछ कुछ भूल गया। लेकिन जब मैं 2017 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ और मैं जुलाई मास में हैदराबाद गया, और वहाँ पे जब ये पता चला कि वहाँ पे रिट्रीट सेंटर इतना पास है, तो मन में काफ़ी खुशी हुई। और थोड़ा शुरू में हिचक थी कि मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा क्या कि मैंने कोर्स कर रखा है, मेरी मम्मी जाती हैं गीता पाठशाला, और उन्होंने भी कोर्स कर रखा है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं ऐसे बोल के क्या जाऊंगा, तो ऐसे मन में ऐसी अंदर थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं गया। वहाँ से कुछ करीबन एक डेढ़ किलोमीटर दूर था सेंटर शांति सरोवर, तो वहाँ गया पहले दिन। तो मुझे याद है कि गुरुवार का दिन था, और मैं सबसे आगे जाके बैठ गया, और वहाँ की जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं शांति सरोवर की, कुलदीप दीदी जी, उन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने देखा कि ये कौन भाई आके बैठ गया एकदम नया नया, आगे ये जुलाई एंड की बात थी, 31 जुलाई की। तो फिर जब अमृत लेने की बारी आई, जब भोग लग गया, मुरली भी हो गई, सब
भाई बहने लाइन में लग के दीदी से अमृत ले रहे थे। तो दीदी ने मुझे पूछा कि आप कौन हैं भाई, तो मैंने दीदी को बताया दीदी मैं ऐसे ऐसे IIIT में मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ और अभी आया हूँ। फिर जब वो बाहर निकले हॉल से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम आप वहाँ पे थोड़ी देर बाहर खड़े रहो, मैं आती हूँ। तो फिर मैंने उनको पूरा बताया, तो उन्होंने कहा अच्छा तो रोज़ आना मुरली सुनने और यहाँ पे सेवा भी करना, जब आप तो बाबा के बच्चे हो। तो काफ़ी अंदर से अच्छा लगा कि मेरे को जो अंदर से ये लग रहा था कि कैसे मैं बोलूँगा वहाँ पे, कोई ये ना समझे कि कोई बाहर से आ रहा है ये वो, लेकिन दीदी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया। तो अंदर बहुत खुशी हुई और फिर यही मन में रहा कि मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन तो जाऊँ। लेकिन फिर मेरा रूटीन ऐसा ही बन गया कि मैंने साइकिल भी ले ली उसके लिए, कि मैं मुझे और कुछ सुबह साधन मिले ना मिले तो अपनी साइकिल रखो और फिर सुबह मुरली क्लास के लिए 7 से 8:30 मैं मुरली क्लास के लिए जाने लगा। तो ऐसे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे, सबसे मुलाकात भी हुई वहाँ पे, जितने भी समर्पित भाई बहने थे जो भी सेंटर पे आते थे उनसे मुलाकात हुई। और मुझे फिर पहले ही महीने में मेरे को एक चांस मिला कि मुझे एक जन्माष्टमी पे एक एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे मेरे को राजा का वजीर बनने के लिए कहा गया कि आपको ये रोल प्ले करना है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा कि मेरे को एक बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा चांस मिला जिसमें मुझे ऐसा एक रोल पोर्ट्रे करना था। और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, फिर भी बहनों ने मेरे पे वो विश्वास रखा और मुझे ये रोल दिया। और उसे देखने के लिए बहुत जो नॉन बीकेज है वो आए, बीकेज आए, और काफ़ी सब ने तारीफ करी। तो मैंने तो बाबा को ही थैंक्स कहा कि बाबा ये कराने वाले आप हैं। उसके बाद भी काफ़ी सेवाएं हुई, काफ़ी सेवाओं में मैंने जब भी मौका मिला, क्योंकि साथ साथ ये कोर्स भी चल रहा था और उसमें भी काफ़ी टाइम देना पड़ता था क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड कोर्स था। तो थोड़ा बीच में कभी कभार मुश्किलें भी आती थी, लेकिन बाबा था बैठा हुआ संभालने के लिए सब कुछ। तो काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो गया, कर सेवा भी काफ़ी करने का मौका मिला और ऐसे काफ़ी सारी सेवाएं थी। बीच बीच में जब भी एग्ज़ाम्स भी हुए तो बाबा से भी काफ़ी मदद मिलती रही, जितने भी एग्ज़ाम्स थे, जितनी भी रिसर्च मीटिंग्स होती थी हमारी जिसमें मुझे अपना काम प्रेजेंट करना होता था। कहीं कहीं पे कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज भी आती थी, लेकिन बस बाबा को कहा और वो हो जाता था काम, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे याद है कि जनवरी 2019 में अव्यक्त दिवस पे 18 जनवरी पे हमको ये एक पार्ट प्ले करने के लिए बोला गया जिसमें हम हैदराबाद की सेवाओं के 60 वर्ष का एक शैडो स्किट कर रहे थे, जो ऐसा अभी तक मधुबन में कभी भी किसी सेंटर पे ऐसा कुछ अनोखा एक स्किट हुआ नहीं था जिसमें आपकी शैडो ही सामने बैठे व्यक्ति को दिखेगी और वो शैडो ही सब परफॉर्म करेगी। आप बस अपने लिप मूवमेंट्स करेंगे, आप अपने हैंड मूवमेंट्स करेंगे, पीछे से रिकॉर्डिंग होगी और आपको शैडो आपकी बन के आएगी स्क्रीन पर और वो ही सबको दिखेगी। तो हमें कुलदीप दीदी जो शांति सरोवर के डायरेक्टर हैं उनके लाइफ के ऊपर था कि वो कैसे उनके मदर और फादर कैसे ज्ञान में आए, कैसे वो ब्रह्मा बाबा से मिले, कैसे बाबा ने उनको प्रेरणा दी कि आप हैदराबाद जाओ और वहाँ पे सेवाएं शुरू हुई। तो कुलदीप दीदी के फादर का रोल मेरे को प्ले करने के लिए बोला गया और वो उनका रोल ऐसा था कि वो आर्मी में ऑफिसर थे, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी दिखानी थी और वो उस मधुबन बेहद घर में शांति वन में उस स्टेज पे करने का भाग्य मिला जहाँ पे खुद भगवान के कदम हैं। तो वो एक अंदर से जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। और जब हमने वो करा, जब
देखा कि इतने सारे बाबा के बच्चे सामने बैठे हैं और उनके सामने ही वो स्किट परफॉर्म करना, सबसे वाहवाही बटोरना, सब मतलब बाबा की ही कमाल थी। और उस उपलक्ष्य में हमें मौका मिला कि हम दादी जानकी जी से मिले, उनके सामने थोड़ा सा स्किट का हमने उनके सामने थोड़ा सा पार्ट रखा, क्योंकि वो उस दिन कुछ उनकी हेल्थ की इश्यूज थे जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो हम पहले ही उनके सामने जाके थोड़ा बहुत हमने स्किट की रिहर्सल करी, थोड़ा डांस की परफॉर्मेंस दी, तो वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने सबको सौगातें दी, सबको टोली दी, सबको इतनी मीठी दृष्टि दी कि हम तो वहीं सब इतने गदगद हो गए थे कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें ऐसा भाग्य मिलेगा कि हम सब ऐसे महारथियों से, ऐसे दादियों से मिले जिनके ऊपर, जिनके साथ भगवान ने पाठ बजाया है, जिनके साथ भगवान खुद उनकी बातें सुनता है, तो उनके सामने रूबरू होने का मौका मिला। सेवाएं भी काफ़ी हुई, काफ़ी ये पार्ट रहा कि मैंने सेवाओं में रोल अपना जो भी हो सकता था किया, और बाबा की मदद रही। साथ साथ पढ़ाई में भी काफ़ी मदद मिली, जितने भी असाइनमेंट्स थे, जितने भी टास्क होते थे, वीकली टास्क या वीकली असाइनमेंट्स, उसमें काफ़ी मतलब एक जो वहाँ पे हम सीखते थे, जिस जो हमने सीखा राजयोग मेडिटेशन कोर्स में, या फिर जो भी कोई भी बाहर से, कोई फॉरेन से कोई भी भाई बहन आते थे जो वहाँ के समर्पित थे, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। जैसे एक बार गायत्री दीदी जी, जो यूएन की हमारी रिप्रेजेंटेटिव है ब्रह्मा कुमारी इसमें की यूएन में, वो आई तो उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लेटर कैसे लिखो रात को बाबा को, और ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करो आप दिन, मतलब कैसे आप अपने लौकिक कार्य में भी करते हुए, जैसे आप स्टूडेंट हो मेरे केस में, और कोई और भी जैसे कोई जॉब में जा रहा है, तो कैसे आप एक एक मिनट अपने उसमें निकालो और बस एकदम सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठना है, ये सोच के कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। फिर सुमान की काफ़ी उन्होंने बताई कि कैसे सुमान में तुम्हें रहना है। मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस थे तब, क्योंकि मैं साथ साथ ये कोर्स भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था, तो थोड़ा बीच में कभी कभार कुछ जो भी बातें आती थी, तो ऐसे जब महारथी आते थे तो उनसे शेयर करने को मिलता था, तो काफ़ी उनसे भी काफ़ी गाइडेंस मिली। फिर मुझे याद है कि एक बार SIT करके एक प्रोग्राम होता है हर दिसंबर में वहाँ पे, जिसमें जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि हैदराबाद बहुत बड़ा एक IT हब है, और जहाँ पे शांति सरोवर लोकेटेड है वहाँ पे आसपास बहुत सारी IT कंपनीज हैं, तो उन IT के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी IT कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था दिसंबर में, जिसके लिए योगेश भाई जो टर्की के इंचार्ज हैं, BK सेंटर इंचार्ज, वो आए थे, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि कैसे आप अपने लाइफ को बैलेंस आउट कर सकते हैं। आपको आपके लिए सेवाएं भी ज़रूरी हैं और साथ साथ आपके लिए आपकी लौकिक पढ़ाई भी ज़रूरी है, दोनों को आप कैसे बैलेंस आउट करो, कैसे बाबा को हर कार्य में अपने साथ रखो, अपने अपने जितने भी आपके पूरे डेली रूटीन है वो कैसे आप बाबा को बताओ, उनसे उनसे राय लो, और सब कुछ ओपनली उनके सामने रखो। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा हो गए और दूसरे को आपने कॉर्नर आउट कर दिया, तो आपको दोनों का बैलेंस बना के चलते रहना है। और बहुत सारी मीटिंग्स में ऐसा हुआ कि मैं कभी कुछ नहीं करके गया, मतलब उतना नहीं एफर्ट दे पाया जितना देना चाहिए था, लेकिन बाबा से योग लगा के कि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से कवर अप करके जाऊंगा, मुझे ज़्यादा सुनने को या फिर ज़्यादा वो बात करने को ना मिले, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली उसमें। तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस यही रहा है कि बाबा की हेल्प मिलती ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, बिल्कुल
मतलब जो आप चाहते हैं आपको खुल के वो बात बाबा को अपने डायरी के थ्रू या फिर कुछ ऐसा मतलब माध्यम होना चाहिए जिसमें आप बाबा को बता रहे हैं, तो वो मदद बाबा से मिलती ही रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये जो जर्नी है मेडिटेशन की जो आप सीखते हैं वो खाली बड़े लोगों के लिए है। मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ बहुत सारे ओकेजन्स में कि मेडिटेशन तो एक जीने का ज़रिया है। मतलब आप कैसे अपने लाइफ को रख रहे हैं, अपने हर स्टेप को रख रहे हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट करने का तरीका मेडिटेशन के अंदर ही है। बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वो बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाती है। अगर उसका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो वो उसकी लाइफ धीरे धीरे डिग्रेड ही होती रहेगी, और एक ना एक दिन आके उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट डिफेक्ट ऐसा आ ही जाएगा। तो आप जितना आप बचपन से अपने अंदर ये चीज़ें लाएंगे और आप एंजॉय करेंगे इस बात को, ये नहीं, ये मत सोचिए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बस आप इसको एंजॉय करिए। मैंने जो पर्सनली अपने अपने उसमें देखा अपने अभी तक के 3 साल के जर्नी में कि एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंसेस रहे, एक मज़ा आया। ये नहीं हुआ कि मैं ये सोचूं कि अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के दबाव में आके ये सोचूं अरे ये मेरे लिए नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो आते भी थे, सेंटर भी आए शांति सरोवर पे, बल्कि मैंने अपने मुझे याद है मैंने अपनी बर्थडे पार्टी भी कहीं और न ले जा के सबको शांति सरोवर ही सबको बुलाया था। पूरी ट्रीट अच्छे से वो वहाँ पे हुई थी, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। उनको अब सेंटर के तो भोजन ब्रह्मा भोजन उन्होंने खाया, तो ब्रह्मा भोजन की तो बात ही अलग है, तो उन्होंने वो महसूस किया। लेकिन यही लगता है कि नहीं अभी हमारे लिए ये सब चीज़ें नहीं, अभी तो हमने दुनिया देखी नहीं है। तो ये बात नहीं है कि दुनिया नहीं देखी, हमें तो बाबा ये कहता है कि आप बैलेंस आउट करके चलो, इस ज्ञान को इसमें एक एंजॉय करते हुए चलो। ऐसा नहीं है कि बाबा ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है कि नहीं आपको ये नहीं करना है। बाबा तो ये कहते हैं आप सब चीज़ें करो, आप सब कुछ करो, सब चीज़ें ट्राई आउट करो, लेकिन उन मर्यादाओं में रहते हुए जो बाबा ने हमें सिखाई हैं। तो वो मेरा यही एक पर्सनल मैसेज रहा है, मतलब मैसेज रहेगा यूथ को कि जो भी इस उसमें आना चाहते हैं इस बात पर कि कुछ भी आपके लिए बंद नहीं हो रहा है, आपको बस हर स्टेप को सही कैसे करा जाए वो इस बात के थ्रू आपको पता चलता है कि हम जो भी आगे स्टेप लें वो कैसे उसमें भगवान की हमें मदद मिलती है और कैसे भगवान हमारा हर चीज़ में सहायक होता है। यही एक्सपीरियंस मेरा इस लॉकडाउन में भी रहा। मेरे प्लेसमेंट्स थे इस दिसंबर में, और इस दिसंबर से चालू हुए थे, दिसंबर 2019 से, तो वो लॉकडाउन तक खिंचे। मेरे एक दो इंटरव्यूज़ जो थे फ़ोन पे हो चुके थे और लॉकडाउन से पहले, और लॉकडाउन के बाद मेरे दो तीन इंटरव्यूज़ हुए और मुझे एक कंपनी से ऑफ़र भी आया। प्लस मेरा जो भी कोर्स था, जो कोर्स की फॉर्मेलिटीज़ बची हुई थी मास्टर्स की, वो भी सारी इस लॉकडाउन में ही पूरी हो गई। तो एक ये भी भगवान का बहुत एक आशीर्वाद रहा कि सारी चीज़ें इस लॉकडाउन में सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गई और मेरे को जॉब भी मिली और घर से ही वर्क फ्रॉम होम मेरा अभी चल रहा है, घर से ही काम चल रहा है। तो सब कुछ भगवान के भगवान मतलब हर कार्य में सहायक बना है। तो ये बिल्कुल भी ना कोई सोचे कि ये एज हमारे उसके लिए नहीं है, हमारे मतलब मेडिटेशन के लिए नहीं है, हमें इसमें इन्जॉय करना है, लाइफ देखनी है। अगे मतलब फिर से मैं वही बात कहूँगा कि भगवान इस आप अगर आप ये 7 डे राजयोग मेडिटेशन कोर्स भी करेंगे तो इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि ये इससे आपको ये करना पड़ेगा, इससे आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जो छोड़ना है वो कहा गया है कि आप अपने बुराइयों को छोड़ो, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई आपको कहे कि आपको को अपनी कमज़ोरी छोड़नी है तो वो तो अच्छी बात है कि आप सोचिए कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मुझे वो निकालना है और एज अ बेटर पर्सन मुझे बाहर आना है, आई हैव टू कम आउट एज अ बेटर पर्सन। तो
ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही आगे चलता रहेगा। देखते हैं आगे कैसे कैसे और मतलब कैसे और आगे ये सीन्स आते हैं, और काफ़ी अच्छा अभी तक रहा है, भगवान का साथ है और आगे भी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।